विजन इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने का है. वो सोचते हैं कि इंडिया चाइना के साथ कंपटीशन कर सकता है और मैं भी इस बात से सहमत हूं. दुख की बात है कि हमारी सहमति यहीं खत्म हो जाती है क्योंकि मेक इन इंडिया का क्या मतलब है उसके बारे में हमारे विचार बिल्कुल अलग है. प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि भारत का मजदूर बेईमान है, भारत का मजदूर कामचोर है और उसे सिर्फ लाठी मारकर काम कराया जा सकता है. उन्हें लगता है कि लेबर लॉज को कमजोर करने की जरूरत है और मजदूरों को डिसिप्लिन करने की जरूरत है ताकि डिसिप्लिन करने के बाद वो काम करे. वो चाहते हैं कि मजदूर अपने घुटने टेक दे. मोदी जी एक बात आप समझ लीजिए, भारत का मजदूर ना कामचोर है ना इनडिसिप्लिन. भारत मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए पीछे है क्योंकि भारत का मजदूर डरा हुआ है. वो डर के जीता है और वो डर के मरता है. आप प्रोडक्टिविटी की बात करते हो, मजदूर को जब तक अपने भविष्य के बारे में डर होगा तब तक वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा. मुझे ऐसा हिंदुस्तान मजदूर मंजूर है जहां आप अपना पसीना, जितना आप अपना पसीना देना चाहते हो आप दे सको. मगर मुझे ऐसा हिंदुस्तान मंजूर नहीं है जहां आपको अपना खून और अपना पसीना, अपने आंसू देने पड़े. हम इस देश को आपके खून और आपके आंसू से नहीं बनाना चाहते हैं. मोदी जी, मुझे नहीं पता आपको इन मुद्दों पर कौन सलाह दे रहा है, मगर आपको थोड़ा समय उन लोगों के साथ भी बैठना चाहिए जो मजदूरों को समझते हैं, क्योंकि जो आपको आज सलाह दे रहे हैं वो आपको गलत सलाह दे रहे हैं. जब कांग्रेस सत्ता में थी तो हमने करोड़ों लोगों को मनरेगा दिया, करोड़ों लोगों को हमने गरीबी से निकाला. किसान हमारे पास आए, उन्होंने कर्जे की बात की और मनमोहन सिंह जी यहां बैठे हैं, 70,000 करोड़ रुपए उन्होंने किसानों की कर्जा माफ की. हम मजदूरों के साथ खड़े हैं और जहां भी हमारी जरूरत होगी, कांग्रेस पार्टी की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े रहेंगे. मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ हम लड़ जाएंगे. आजकल खबर एक दिन की होती है. फेसबुक और ट्विटर के दिन हैं, सेल्फी के दिन हैं, लोग बेचैन हैं. हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब शब्दों के इस्तेमाल लोगों की कल्पना बताने के लिए किया जाता है, मगर उन शब्दों के पीछे क्या भाव है उसकी चर्चा नहीं की जाती. कुछ दिन बाद नए शब्द बोले जाते हैं और देश का ध्यान एक शब्द से दूसरे शब्द पर चला जाता है. मगर अगर एक नागरिक अपने आप से पूछे क्या हुआ, तो एक सन्नाटा सा छा जाता है. शब्द खोखले से लगने लगते हैं. अच्छे दिन से शुरुआत हुई, उसके बाद स्वच्छ भारत चालू हुआ, फिर थोड़े दिन बाद स्मार्ट सिटीज की बात हुई, फिर मेक इन इंडिया, फिर डिजिटल इंडिया और अब जाकर हम एक्सेसिबल इंडिया तक पहुंच गए. भगवान जाने इसके बाद नया शब्द कौन सा नया शब्द जादू से उभरेगा. ग्रोथ शब्द अक्सर सुनाई देता है, प्रगति शब्द सुनने में मिलता है, विकास, डेवलपमेंट, इन सब का बहुत प्रयोग होता है. हम अक्सर इन शब्दों को हकीकत मान लेते हैं, मगर ग्रोथ, प्रोग्रेस, इन शब्दों के पीछे क्या छुपा हुआ है,
ये सच्चे सवाल है। ग्रोथ किसके लिए, प्रगति किसकी, विकास किसका, डेवलपमेंट किसका, ये सच्चे सवाल है। ग्रोथ का फायदा किसे मिल रहा है, क्या केवल 20-25 अरबपति बन रहे हैं, क्या कुछ गिने चुने लोग अपने प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। मैं आपको अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं केवल अपनी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि पूरे देश की तरफ से आप सबको